नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। विवाद में पिता पुत्र को मारा चाकू, पुत्र की मौत, गमगीन माहौल में हुआ अंतिम संस्कार, सभी दलों ने की आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग। रामलाल जाट ने कहा, कांग्रेस जीती तो गारंटी से होगा विकास, मांडल में कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न। आधी रात को भी गुजर के स्वागत में उमड़े लोग। मतदान जागरूकता के लिए निकाली रैली। विधानसभा चुनाव के प्रचार को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी के कार्यकर्ता की चाकू घोंपकर नरसंहार हत्या कर देने व उसके पिता को घायल कर देने के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना को लेकर सभी दलों के नेताओं ने निंदा की है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। गुरुवार शाम मृत युवक का जवाहर नगर मोक्षधाम में अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसमें कई नेता और प्रबुद्ध लोग शामिल हुए, जबकि उसके पिता का उदयपुर में उपचार चल रहा है। बुधवार रात लेबर कॉलोनी में निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी के कार्यकर्ता जयंत वैष्णव के साथ दूसरे पक्ष के लोगों ने हाथापाई की और बाद में जब उसके पिता चंद्र प्रकाश वहां पहुंचे तो उनके बीच झगड़ा हो गया और राहुल प्रकाश और संजय ने उन पर चाकू से वार किया, जिससे दोनों घायल हो गए। पिता पुत्र को उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां देर रात जयंत वैष्णव ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया, जबकि उसके पिता को हालत गंभीर होने पर उदयपुर रेफर कर दिया गया। इस घटना की जानकारी मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी, सुनील जागेटिया, रवि जाजू, गणेश प्रजापत के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी के सैकड़ों समर्थक अस्पताल पहुंचे और घटना की निंदा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। सुबह रेलवे स्टेशन पर निर्दलीय प्रत्याशी कोठारी, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली, बजरंग दल के गणेश प्रजापत आदि ने इस घटना की निंदा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने और 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग रखी। बाद में ज्ञापन भी दिया गया। प्रशासन से बातचीत के बाद पोस्टमार्टम के लिए सहमति बनी। आज शाम मृतक जयंत का अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिसमें राजनीतिक दलों के लोग और प्रत्याशी भी शामिल हुए। इस घटना की निंदा करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ओम नारायणीवाल ने अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने शहर में शांति बनाए रखने की पुलिस अधिकारियों से भी गुहार की। भाजपा प्रत्याशी विट्ठल शंकर अवस्थी ने भी इस घटना को जघन्य बताते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना को लेकर सांसद, भाजपा जिला अध्यक्ष, सभापति व विधायक ने एसपी से मिलकर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। उधर कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए 50 लाख रूपए मुआवजे की मांग की है। मौत हो गई, तो हो गई है, तो बेचारा बच्चा भी यहाँ पे, उसको आके ले जा। और सर कहने वाले, ये पुरानी दुश्मनी में हुआ है, ये पुरानी दुश्मनी में हुआ है। ये सर बच्चे को और मेरे को दोनों को मारा उसने। कौन जानते किसी मारपीट की या मारा जिनको? सर शकल से जानता हूँ, एक बाकी एक का सर नाम नहीं जानता हूँ, उपनाम से उसका शॉर्ट नेम उसे जानता हूँ। जिसने मारा उसका नाम सर फड़का है, और एक जो जिससे माथापोड़ी चल रही सर उसका नाम राहुल है, राहुल बांबी। इस बात को लेकर आज माथापोड़ी हुई है सर? ये मुझे नहीं पता, मैं सर ड्यूटी पे था। बच्चे को पता होगा सर, बच्चा भी सीरियस है सर, वो आईसीयू में भर्ती है। मौके पर तो जानकारी मिल पाई क्या? नहीं सर, मुझे तो सर फोन आया, जब मैं तो सर फोन के आधार से सर मैं ड्यूटी से वहाँ आया सर। बहुत हृदय विदारक घटना है कि एक छोटी सी बात पर जो है इस तरह का घटना घट गई है। मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और शब्दों से माध्यम से इसकी निंदा नहीं हो सकती है, लेकिन अब इस हम ऐसे कार्यों को रोकें और आगे ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, इस तरह हमको सोचना चाहिए। राजनीति से परे उठकर ऐसा हमारा शहर जो है सुंदर रहे, शांति रहे और सद्भाव कायम रहे, और इस तरह की जो घटनाएँ घटती हैं उससे कितने परिवार आहत होते हैं। और आज इसीलिए मैंने अपना जो है जन संपर्क अभियान था वो भी मैंने आज पोस्टपोन किया। और जयंत वैष्णव की इस हृदय विदारक घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। गौ माता व प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और इस दुख की घड़ी में परिवारजन को शक्ति व संबल प्रदान करे। मैं इस परिवार के आज भी और हमेशा सदैव साथ रहूंगा। भिलवाड़ा में जो कल रात्रि को एक दुखद घटना हुई है, उस घटना में एक नौजवान की मृत्यु हुई है और उसके पिता घायल है। मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, उस परिवार के प्रति, मृतक के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे भिलवाड़ा शहर में शांति बनी रहे और ईश्वर के साथ साथ
प्रशासन से पुलिस से मैं मांग करता हूं कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाए, जिससे भविष्य में भिलवाड़ा में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। शहर में कल जो एक दुखद घटना हुई, उस बात का हमें बहुत दुख है कि एक 17 साल का लड़के की हत्या हुई। कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में आज हम जिला कलेक्टर और एसपी साहब से मिले हैं और हमने कहा कि भाई दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, दोषियों को गिरफ्तार करें। मांडल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल जाट के मांडल कस्बे में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में समर्थकों का सैलाब उमड़ा। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जाट ने देवउठनी एकादशी का मौका बताते हुए खाटू श्याम जी, चारभुजानाथ, बालाजी, देवनारायण भगवान का जयकारा लगाया और कहा कि घुमंतु व अद्र घुमंतु जातियों के लिए कांग्रेस ने भूखंडों के पट्टे दिए हैं, शिक्षा के लिए भी कई योजनाएं चलाई है। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आवास विहीन लोगों को भूखंड का पट्टा भी मिलेगा, वे मकान भी देंगे। उन्होंने कहा कि पेंशन को बढ़ाकर 2000 रुपए करेंगे। इसी तरह कांग्रेस की उन्होंने कई गारंटियों और योजनाओं को लाभ देने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार फिर सत्ता में आई तो विकास के कामों को कोई कमी नहीं रहेगी। इससे पूर्व जाट ने लोगों से जनसंपर्क किया और 25 नवंबर को कांग्रेस को हाथ के निशान पर वोट देने की अपील की। दूसरी ओर भाजपा प्रत्याशी उदयलाल भडाना ने भी प्रचार के अंतिम दिन जनसंपर्क किया। ये आपके लिए कर रहा हूं मैं, राजस्थान का अशोक गहलोत जी, जितने भी कैंप लगाया तमाम सरपंच सचिव ने क्यों किया, जड़े चावड़ पट्टो दे और मांग आ रही, काफी हद तक मैंने दिया पटरा, फिर भी हाल भी वंचित है। अब शिक्षा अगर आप मां पूरी ले ले हो, अच्छी बात करिया मंच वाला, अगर बढ़ाई पढ़ाई को पुरानी कहावत देखो, बणियो ने गुणियो और गुणियो और बणियो दो ही आ जाओ तो मजो ही आ जाओ। तो आप लोगों के लिए शिक्षा की बड़ी मांग करी मैं निश्चित रूप में। रतन जी, गीता जी, आप हमेशा संगर, आप दो कोई नाम ले रही हूँ और पदाधिकारी आपका सारा बैंड भाई जोधपुर भी आवा के लाडू नाथ जी, सब लोग भजन संध्या वध्या में जाता रहे, वहां करता रहे, वो भाई गोर्धन है। तो तमाम लोगों की मांग गई तो वी दिशा में राजस्थान की सरकार अशोक गहलोत जी काम कर रही है। आप चिंता मत करो, स्थायी निवास की व्यवस्था बड़ू घोषणा पत्र में करी, आवासहीन लोगों ने आवास राजस्थान की सरकार 100% दे, हर आदमी को मकान बना दे, पट्टो भी दे और पाको मकान भी दे, गारंटी के लिए। केवल यही कौन है, तमाम बहनों का 10,000 रुपए खाता में डालना, हाथ को बटन दबा दिया 10,000 हर साल। वो माइरो अशोक गहलोत की तरफ, वो रामलाल जा रही कांग्रेस कार्यकर्ता माइरो था। ये पेंशन हर साल बढ़ाओ और 2,000 तक ले जाओ पेंशन। जाजपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी धीरज कुजर का बीती रात को 12 बजे बाद भी लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर स्वागत किया। कुजर 12:15 बजे पारोली पहुंचे, जहां उनका जेसीबी के पलड़े में खड़े होकर लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। स्वागत में सैकड़ों लोग मौजूद थे। कुजर ने इस मौके पर लोगों से कहा कि कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो ठेठ गरीब तबके का विकास के लिए वचनबद्ध है और मुख्यमंत्री ने इस बार कई गारंटियां भी दी है। उन्होंने 25 नवंबर को हाथ के निशान पर वोट कर कांग्रेस को जिताने की अपील की। असगर जी इनके माला पहनाकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जो हमारे साथ उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी है प्रदीप जरवाल जी, मैं गोपाल सिंह जी से कहूंगा माला पहनाकर प्रदीप जरवाल जी का स्वागत करें। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नमस्कार, मैं आशीष मोदी, जिला निर्वाचन अधिकारी भीलवाड़ा। सभी भीलवाड़ा वासियों से अपील करता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान के इस महापर्व में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, अपने घर से निकल करके मतदान केंद्र तक पहुंचे और वोट करें। आपका एक वोट डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जय हिंद। छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान। इस उंगली का वार न चुके। वो
वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। वोट डालना हमारा फर्ज है और अधिकार भी, इसीलिए 25 नवंबर को मतदान अवश्य करें और लोकतंत्र के इस उत्सव में भाग लें। धन्यवाद। कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल, ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज, भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन, अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप, व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। स्वीप कार्यक्रम के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर के तत्वावधान में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। प्रधानाचार्य उर्मिला जोशी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर विद्यालय प्रांगण से रवाना किया। रैली सहायक लीडर ट्रेनर प्रेम शंकर जोशी, व्याख्याता सुनील खोईवार के निर्देशन में हाथों में मतदाता जागरूकता के नारे लिखी तख्तियां, बैनर लेकर जोरदार नारे लगाते हुए सुभाष नगर आरसी व्यास कॉलोनी के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए सार्वजनिक स्थल शिवाजी गार्डन तक पहुंची, जहां स्वीप प्रभारी महावीर प्रसाद जिंगर के नेतृत्व में ममता शर्मा, नीलम परिहार, इंदिरा शर्मा, वीटी रेखा पाड़ेल, किरण चौहान ने आकर्षक रंगोलियां बनाकर नुक्कड़ नाटकों के प्रदर्शन के माध्यम से जनसाधारण को मतदान करने हेतु जागरूक किया। शीना सर्किल पर भी रंगोलियां बनाकर तथा मतदान जागरूकता के मधुर गीत संगीत के माध्यम से जनसाधारण को शत प्रतिशत मतदान हेतु जागरूक किया गया। ग्राम पंचायत गुल्ला में स्वीप की गतिविधियों के अंतर्गत सतरंगी सप्ताह के अंतिम दिवस रणजीत सागर तालाब के किनारे दीपदान कर दीपोत्सव द्वारा मतदान के लिए प्रेरित किया गया। ग्राम विकास अधिकारी भगवान सिंह चंडावत ने कहा कि दीपदान का उत्सव अंधेरे को मिटाने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अंधकार को मिटाएंगे। ग्राम विकास अधिकारी हीना सिद्धू अंसारी, कनिष्ठ लिपिक सोहनलाल रेगर, बीएलओ अंकित माथुर, कालू रेवारी, नारायण सिंह, दशरथ सिंह, रमेश काडरी, ग्राम साथी ननिता वैष्णव आदि उपस्थित थे। बद्रीलाल माली की रिपोर्ट। स्वीप की गतिविधियों के अंतर्गत सतरंगी सप्ताह के अंतिम दिवस आज दीपदान और वोट वृक्ष के द्वारा हम लोगों ने दीपोत्सव का आयोजन किया है, जो कि गुल्ला में बस स्टैंड के किनारे रणजीत सागर तालाब के किनारे किया गया है, जिसके द्वारा लोगों को दीपक मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। आगुचा में श्याम मित्र मंडल ने श्याम बाबा का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। बैंड बाजे की धुन पर मीठे मीठे भजनों को से बाबा को रिझाया। इस मौके पर 301 किलो दूध की खीर का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। किन्नर सुमन दीदी ने श्याम प्रेमियों को बाबा के जन्मदिन की बधाई दी। इस अवसर पर श्याम प्रेमियों ने बाबा के जन्मदिन की खुशी में आतिशबाजी भी की। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जोगड़िया माताजी में की पूजा अर्चना, शिव सिंह की मुराद हुई पूरी। प्रचार समाप्त, प्रत्याशी करेंगे घर घर संपर्क। रूटाटर में करंट से केरिया निवासी उदयलाल कुम्हार की मौत। मोड़का निम्बाड़ा के मदन भील को पैदल जाते समय ट्रेलर ने लिया चपेट में, मौके पर हुई मौत। शुक्रवार को रवाना होंगे मतदान दल, तैयारियों को दिया जा रहा है अंतिम रूप। देव प्रबोधिनी एकादशी के साथ ही मांगलिक कार्य शुरू, भक्तों ने धूमधाम से कराया शालिग्राम भगवान व तुलसी माता का विवाह। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।